हमारा फर्स्ट फिश, मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने कोई फिश पकड़ा है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आखिर हम लोग पेंच पहुंच ही गए हैं आफ्टर ओवरनाइट जर्नी फ्रॉम पुणे, जो कि हम लोग ने शाम को पुणे से स्टार्ट की थी और पहुँचे हैं सुबह हम लोग 10 बजे के आसपास नागपुर पहुँचे थे। और नागपुर से पेंच का रास्ता काफ़ी अच्छा रहा, हम लोग लगभग 90 मिनट्स में पेंच में पहुँच चुके थे। और हम लोग यहाँ पर रुके हैं एक खूबसूरत रिसॉर्ट जिसका नाम है तथास्तु रिसॉर्ट। इस रिसॉर्ट का रिव्यू हम ज़रूर करेंगे, लेकिन जो मेन अट्रैक्शन है हमारा पेंच आने का वो है जंगल सफारी। रिसॉर्ट के इस सेक्शन में काफ़ी सारे मड हाउसेस नज़र आ रहे हैं, मुझे कम से कम 4 तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ उस तरफ भी हो सकते हैं। और यहाँ पे कॉमन एरिया है जहाँ पे ऑडियंस बैठ सकती है, बड़े ग्रुप के लिए खासकर ये काफ़ी अच्छा कॉमन एरिया है जहाँ पे आप गेम्स वगैरह फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर सकेंगे। हमारा स्वागत किया इस आर्टिस्टिक गणेशा ने, जो कि सिर्फ मेटल से बनाया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है। लेट्स डू अ रूम टूर। ये हमारे रूम्स हैं बेसिकली, ये मड हाउसेस कहलाते हैं। आप बाहर का एक्सटीरियर देख सकते हैं, ये बिल्कुल मड जैसा दिया हुआ है, लेकिन ये अंदर से काफ़ी अनोखे हैं। आप जब अंदर जाते हैं, अंदर जाते ही एक बड़ा सा हॉल है और हॉल के पास आपको 3 दरवाजे दिखते हैं जो कि 3 रूम्स है बेसिकली। काफ़ी कारीगरी करी गई है यहाँ पर, बहुत सारी ट्राइबल ज्वेलरी यूज़ की गई है और एक अनोखे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से सारा कुछ दिख रहा है बनाया हुआ, और बहुत ही आलीशान। और ऊपर जाने के लिए एक खूबसूरत सा स्टेयरकेस दिया हुआ है जहाँ पे हम बच्चे जा रहे हैं। और रूम भी काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल दिख रहा है। बेसिकली बहुत ही बेसिक सा मटेरियल यूज़ किया हुआ है सब जगह। शेफ्स ने अपने गेस्ट्स को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्रेकफास्ट, लंच से लेकर हाई टी और डिनर में शायद ही कोई डिश रिपीट हुई हो। पनीर की ताजगी से लेकर चिकन की बेहतरीन डिशेस का स्वाद चखने का एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर रहा। ब्रेकफास्ट के कॉमन आइटम्स जैसे पोहा और डोसा भी ऑथेंटिक टेस्ट से भरे थे। डेसर्ट्स में इतनी सारी वैरायटी पाने पर बच्चों के साथ साथ बूढ़े भी इसका मजा उठा रहे थे। डिनर टाइम का एम्बियंस बड़ा ही मेमोरेबल रहा। सनराइज हो चुका है
और इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डे। और आज का हमारा प्लान कुछ भी नहीं है, हम लोग बस यहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं। और कल अर्ली मॉर्निंग 5:30 AM वी आर गोइंग टू लीव एट 5:30 AM टुमारो प्रिया फॉर टाइगर सफारी। आई रिमेम्बर जब हम कल चेक इन कर रहे थे तो रिसोर्ट वालों ने हमें एक मैप दिया था, बिकॉज काफ़ी भूल भुलैया से लग रहा था हमें शुरुआत में। और ये एक सोवनियर शॉप है, बेसिकली द आइडिया इज़ दैट यू कैन टेक अ पीस ऑफ तथास्तु फ्रॉम दिस प्लेस। जैसे कि ये काफ़ी रियलिस्टिक लगने वाला टाइगर है जो कि आप अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 11,200 bucks। जंगल में इस तरह की रेड एंट्स का मिलना बहुत ही कॉमन है। जस्ट इमेजिन अगर आपको यह काट देती है तो आपका क्या होगा। ये साइज में तो काफ़ी नॉर्मल एंड से बड़ी लग रही है, लगता है ये लेडी काफ़ी गुस्से में है। यू हैव अनदर ऑप्शन, आप इस तरह का विला भी बुक कर सकते हैं जहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट पार्किंग एंड स्पेस प्राइवेट गार्डन मिल जाता है। ओ दैट इज़ इंटरेस्टिंग। तो ये है आपका रिसेप्शन रिसोर्ट का, और यहाँ पे आपका स्वागत करता है ये नकली लेपर्ड। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो रूम है, बोटिंग, कैरियोके, और ये है बर्मा ब्रिज। बर्ड वॉचिंग के लिए ये परफेक्ट प्लेस है जहाँ पे मैं सुबह से देख रहा हूँ काफ़ी सारे अनोखे बर्ड्स नज़र आ रहे हैं। ओह व्हाट इज़ दैट वन, ओह वाओ। ये है यहाँ की लाइब्रेरी जो कि अर्ली मॉर्निंग सनरेज में काफ़ी जगमगा रही है। इतने तरीके की फ्लोरा एंड फौना है यहाँ पर। ये खासकर ये वाटर बाम्बू तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसका साइंटिफिक नेम यहाँ लिखा हुआ है। और ये नज़र आ रहा है अरवी के पत्ते की तरह, लेकिन ये कुछ और है। पीपल हु लाइक ऑन द रॉक्स, उनके लिए खास ये ट्री हाउस है। ये बड़ा यूनिक सा रूम है जहाँ पे आप आर्टिफिशियल रॉक्स पे इन नकली पिकॉक के बीच घर में रह सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट टाइम ये ट्री हाउस ज़रूर ट्राई करेंगे। इस ट्री हाउस के बिल्कुल बगल में है रानी झांसी टेंट्स, ब्लैक शेड में ये टेंट्स हैं। ये रहा इसका एंट्रेंस, बड़ा ही बड़ा सा डोर है, और नॉक करने के लिए ये रॉयल सा लायन है यहाँ पर। प्रिया जस्ट ऑनलाइन प्राइसेस चेक कर रही थी। ये रूम विद ब्रेकफास्ट विल कॉस्ट 13,000 पर नाइट, और रूम विद ब्रेकफास्ट लंच विल कॉस्ट 16,000 टैक्सेस। और ये वही कॉमन जगह है जहाँ पर लोग बैठे थे रात को, यहाँ पे डिनर सर्व हो रहा था और यहाँ पे म्यूजिक चल रहा था। वेरी ब्यूटीफुल नाइट यस्टरडे। एंड यू कैन ऑल्सो चेक दिस होलिस्टिक वेलनेस एंड स्पा फॉर अमेजिंग डिस्काउंट्स। और ये है केव हाउस, इसके अंदर तो नॉर्मल सा रूम है लेकिन बाहर से बिल्कुल केव जैसा नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे कार पार्क कर सकते हैं और यू कैन एंजॉय योर स्टे इनसाइड। We have finally caught a fish. Wow, superb. Easy. Oh my god. Rest in peace. Yeah, help me please. Khicho se khicho. Mala chawla tar. Maine mala chawla tar. Oh my god. Kitni mota hai. Kadi ka mila. पकड़ लिया। नहीं छोड़ी छोड़ी। इसका अभी क्या करेंगे आप, लेके जाइए घर पे। ओह माय गॉडनेस। तो फाइनली हमारा फर्स्ट फिश। मेरा
लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने कोई फिश पकड़ा है। और कितना केजी है? 2 किलो का होगा? 1 केजी। 1 केजी का तो होगा श्योरली। नो 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 यार, इसका इसके हत्या का पाप वो मेरे सर पे आ गया है। आज तो पार्टी है बॉस। ओह माय गॉड, ये 1 और किलो का आया है। सुपर, माय गॉड, सेकंड फिश ऑफ द डे। ओह माय गॉड, रेस्ट इन पीस। आज तो आपका पार्टी होने वाला है। आज रेस्टोरेंट में यही खिलाते सबको। नहीं सही है। डिनर में। हाँ वो तो है। एक्चुअली जो आप लोगों के लिए वो विदाउट काटा वाला आता है। बासा। ये बहुत टेस्टी है। आप अगर खाते हो मैम तो नहीं, वो अच्छा है, ये अच्छा है, वो बासा बहुत ऑयली है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर आपके कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।